हाँ जी, सो कंटिन्यूइंग दिस एक्सक्रीशन, वी कंप्लीटेड द काउंटर करंट मैकेनिज्म, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, हाउ इट इज कंट्रोल्ड एंड हाउ इट इज मैनेज्ड, राइट? आफ्टर दिस वी कम टू द रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शन. द रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शन, इसमें हमने एक ऑस्मोरिसेप्टर्स का तो काम कर लिया था, दैट इज हमने उसका रोल पढ़ लिया था. रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस बेसिकली यहाँ पे है क्या, आप पढ़ क्या रहे हो इस टॉपिक में. अगर हमारी, कल हमने जो बात करी दैट वाज अ काउंटर करंट मैकेनिज्म, है ना, हमने क्या कहा कि डाउन द स्ट्रीम, दैट इज व्हेन द लूप ऑफ हेनलेज मटेरियल दे आर कमिंग डाउन द स्ट्रीम, द मटेरियल दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट्स दैट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड एज इट गोज अप देन इट इज डिक्रीजिंग बैक टू नॉर्मल इन द कॉर्टेक्स रीजन. ऐसे किया हमने, ठीक है, कॉर्टेक्स रीजन से होते हुए वो कलेक्टिंग डक्ट्स में कलेक्ट होनी है, उसके बाद वो वहां पे यूरिन की फॉर्म में रिमूव आउट हो जाएगी, दैट इज डन डन. एक यूरिया का कंसेप्ट जैसे ये बता रहे हैं अभी, यूरिया का कंसेप्ट भी एक गिवन है, लेकिन इट इज नॉट मोर रिटन इन योर डायग्रामेटिकली, आई गेस इट्स नॉट शोन इन द काउंटर करंट मैकेनिज्म, इट इज शोन इन द प्रीवियस डायग्राम, ठीक है, प्रीवियस डायग्राम जहाँ पे सॉल्ट्स वगैरह का आपको कंसेप्ट दिया है ना कि कौन से सॉल्ट्स आते हैं कौन से जाते हैं, तो वो वहां पे गिवन है, ठीक है. बट उसमें भी अगर आप डायग्राम में देखोगे ना, जो नेफ्रॉन का डायग्राम बना है, यू विल बी कंफ्यूज विद द थ्योरी एंड द डायग्राम, ठीक है, बिकॉज अगेन द थिंग्स आर कि हम ये कहें कि हाइड्रोजन आयन सिर्फ रिलीज आउट हो रहा है, वो भी सही नहीं है, एड ऑन भी तो हो रहा है, ठीक है. सो बट द कंसेप्ट्स ऑन योर बुक दैट आर जस्ट एम्फसाइजिंग ऑन अ फ्यू थिंग्स, नॉट ऑल, ऑल टुगेदर, ठीक है. टेक्स्ट आपका कुछ और चीज बताता है कई बार, और आपकी जो डायग्राम्स हैं वो कुछ और बताती हैं, सो दैट बिकम्स कंफ्यूजिंग. बट जितना आपको टेक्स्ट वाइज समझ आता है, आई वुड से जितना टेक्स्ट के रिलेशन में समझ आता है, जस्ट फॉलो दैट, ठीक है. कंसेप्ट हमारा क्लियर टेक्स्ट ने करना है, ना कि सिर्फ डायग्राम. डायग्राम दे आर टू हेल्प अस, दे आर टू हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द थिंग्स मोर बेटर, ठीक है, उनको समझना और अपने दिमाग में बैठाने के लिए डायग्राम से. पर कल्ले डायग्राम को देख के, क्योंकि कई बच्चे होते हैं वो बड़े इस चीज को लेके चलते हैं, दैट इज कि अगर हम लोग डायग्राम देख लेंगे ना तो डायग्राम के से ही सारा कुछ मुझे पता चल जाए, है ना. डायग्राम अलोन एक्सप्लेन्स एवरीथिंग, दैट इज रॉन्ग. डायग्राम विल नॉट एक्सप्लेन यू एवरीथिंग. डायग्राम इज नॉट गोइंग टू टेल यू कि यहाँ वाटर की परमिबिलिटी है और वहां पे नहीं. डायग्राम इज नॉट गोइंग टू टेल यू, दैट इज ऑल द एरोज एंड एरोज इंटरमिंगल्ड सारे आपको नजर आएंगे उसके अंदर, ठीक है. सो डोंट जस्ट बेस अपॉन योर डायग्राम्स, ऑलवेज गो फॉर द टेक्स्ट फर्स्ट एंड देन द डायग्राम्स, ओके. हेयर ऑल्सो वी हैव जस्ट स्टडीड कि कल हमने जो पढ़ा था काउंटर करंट में, उसमें मैंने बोला कि कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट जो है वो ऊपर जाते कम हो रहा है लेकिन नीचे आते बढ़ रहा है, ठीक है. तो वो तो एक नेचुरल चीज है, मतलब हमारे नेफ्रॉन्स का एक नेचुरल स्ट्रक्चर है, परमेबिलिटी दे रहा है वो, वाटर की है सॉल्ट की है, वो नेचुरल स्ट्रक्चर है. उस स्ट्रक्चर की वजह से उसको मेंटेन्ड वे में वो काम करना ही पड़ रहा है, तो वो नॉर्मल हुआ, वो तो नॉर्मल कंडीशन हुई. बट येस्टरडे ओनली वी ऑल्सो डिस्क्राइब द कंडीशन लाइक डायरिया एंड द लूज मोशन, है ना. अब उन कंडीशंस में अगर मैं बात करूं, डायरिया है या लूज मोशंस हैं, इनके केस में जब एक्सेस लॉस हो रहा है वाटर का, या जब बहुत ज्यादा हमारा जो जीएफआर है वो कम हो रहा है, यानी कि हमारा फिल्ट्रेशन रेट बहुत बन नहीं पा रहा है, 180 लीटर्स एक दिन का होना चाहिए था एंड इट हैज ड्रॉप टू 100 लेट से, और 90 और 80, मतलब इतना कम पड़ रहा है, तो उस समय में हमारी किडनी किस तरह से इस फंक्शन को वापस रीगेन करेगी, मतलब वापस बैलेंस करें उस फंक्शन को, कि वो 180 जो नीचे ड्रॉप डाउन करके 100 तक पहुंच गया उसका लेवल, मतलब अमाउंट जो मिला है, अगर वो ड्रॉप डाउन हो गया, अगर वो कम बढ़ गया है, उसको वापस दोबारा नॉर्मलाइज कैसे करें. तो दैट इज द रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, दैट इज द किडनी के फंक्शंस को वापस फिर से उसी तरीके से दोबारा सेट कर देना जिस तरीके से वो नॉर्मली चल रही थी. समझ आया? एक तो कंसंट्रेशंस की जो बात कर रहे हैं हम, दैट इज नॉट एन एबनॉर्मल कंडीशन. कंसंट्रेशंस का बढ़ना या कम होना वो नॉर्मल है, वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है. एक बारी में बढ़ेगा, दूसरी बारी में कम होगा, एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन सारा कुछ चल रहा है. लेकिन जब हमारा जीएफआर, मेनली हमारा जीएफआर इफेक्ट होता है, अगर तो वो बढ़ गया या वो कम हो गया तो हमारे को प्रॉब्लम्स आती हैं. प्रॉब्लम्स भी कैसी, अगर तो वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाए तो प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, है ना. लेकिन अगर वो थोड़ी प्रॉब्लम है, टाइम बीइंग के लिए है, और हमारी बॉडी ने अंदर से ही उसकी सेटिंग वापस फिर से कर ली, क्योंकि इंटरनल मैकेनिज्म्स है, हम कुछ नहीं करते इसमें, है ना. वी नेवर नो इवन कि कभी जीएफआर ज्यादा है कभी जीएफआर कम, पता होता है क्या हमें? कुछ नहीं पता होता, है ना. कब हमारी हार्ट बीट जो है वो ज्यादा बीट कर रही है और कब कम कर रही है, ये भी नहीं हमें पता होता. वेन आर पल्स रेट इज मोर एंड लेस, ये भी नहीं हमें पता होता. सो दैट इज ऑल अंदर ही अंदर चल रहा है बॉडी,
एंड अंदर ही अपने तरीके से किडनीज किस तरह से रेगुलेट करती हैं अपने एक्शंस को, दैट इज वी आर टू स्टडी हियर. ठीक है, ठीक है. आपको प्रॉब्लम था ना ऑस्मोरिसेप्टर्स वाले का, आपने कहा था कल मुझे, किसने कहा था ऑस्मोरिसेप्टर्स? हाँ सहज ने कहा था, सहज तो वही नहीं. ऑस्मोरिसेप्टर्स वैसे आपको मैं दोबारा बता देती हूँ थोड़ा सा, फिर ये हमारा टॉपिक डन है, तो आई विल जस्ट शिफ्ट टू द नेक्स्ट, दैट इज द रास मैकेनिज्म. ओके, हाँ जी. सो लिसन, ऑस्मोरिसेप्टर्स, फर्स्ट इज ऑस्मोरिसेप्टर्स. What do you understand by the term osmoreceptors? These are the receptors. जैसे आप लोगों ने 10th में आपने ये नहीं पढ़ा हुआ concept. Receptors क्या होते हैं in your body? आपका 10th में delete हो गया था chapter control and coordination. अगर किसी ने अपने से पढ़ा होगा तो शायद उसको पता होगा कि आपकी body में हर signal को receive करने के लिए अलग अलग receptors लगे. जैसे हमारी skin में thermoreceptors भी हैं, thigmoreceptors भी हैं. ठीक है, थर्मो एंड थिग्मो दो तरह के रिसेप्टर्स हैं. क्या है वो? थर्मो मींस अगर कोई गर्म गर्म चीज आपके हाथ पे पड़ती है तो आप एकदम से रिएक्शन देते हो, ठंडा होता है तो पेन होने शुरू हो जाता है, ठंडा लग रहा है फील होता है ना, वो जो फीलिंग हमें आ रहा है ठंडे का गर्म का, दैट इज बिकॉज ऑफ द थर्मो रिसेप्टर्स दैट विच आर टेकिंग दैट सिग्नल. ठीक है, फ्रॉम द सराउंडिंग्स. ठीक है, एंड सो आर द थिग्मो रिसेप्टर्स. थिग्मो रिसेप्टर्स क्या है? टच के रिसेप्टर्स. टच मतलब आपको अगर हाथ पे या कहीं पे आपको कोई चूटी काटता है ऐसे आपको फील होता है. ठीक है, बिकॉज योर स्किन हैज दैट थिग्मोरिसेप्टर. ठीक है, समटाइम्स इफ यू आर प्लकिंग सम फ्लावर और समथिंग लाइक, आप किसी प्लांट्स के बीच में अगर घूम रहे हो, कोई कांटा वगैरह लग जाता है, कोई इंसेक्ट काट देता है, आपकी वो स्किन जो है वो रिस्पॉन्सिव है. ठीक है, वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी, दैट इज योर रिसेप्टर्स आर गेनिंग दैट सिग्नल फ्रॉम द सराउंडिंग्स. सो आर द रिसेप्टर्स ऑफ द किडनी. ठीक है, ये किडनी रिसेप्टर्स है, ये क्या करेंगे? दे ऑल्सो गेट द सिग्नल फ्रॉम देयर सराउंडिंग एंड हेंस प्रोड्यूसिंग अ रिस्पॉन्स. अब हमारा रिस्पांस क्या हुआ जब गर्म चीज ऊपर पड़ गई, हमने हाथ पीछे किया. ऐसे ही हमारी किडनीज भी एक रिस्पांस प्रोड्यूस करती हैं, एंड द रिसेप्टर हेयर इज दैट फॉर द सिग्नल, हेयर इज दैट फॉर द ऑस्मोलैरिटी. अगेन कमिंग बैक टू द सेम टॉपिक जो हमारा कंसेंट्रेशन वाला हमने कल किया है ना, उसी चीज को मेंटेन करके रखना है, बढ़ गया या ज्यादा हो गया. अब हमने कंसेप्ट किया था, अगर आपने उस दिन फ्लो चार्ट बनाए थे, अब देखो उसमें पहले वाला किया था जब एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो लॉस्ट आउट हो रहा है ना, दूसरे वाला किया था जब ही लेसर वाटर लॉस्ट आउट हो रहा है. ठीक है, अब जो कल कंसेप्ट किया उसके साथ कोरिलेट करो. कल वाले कंसेप्ट में क्या हमने बोला था कि पानी ज्यादा या कम हो रहा है लॉस्ट? क्या बोला था मैंने काउंटर करंट में? मैंने बोला था पहली वाली ट्यूब में क्या है, डिसेंडिंग लिम में परमेबिलिटी है, पानी लॉस्ट हो रहा है फिर वापस रीगेन हो रहा है. मतलब लॉस्ट नेट लॉस्ट हुआ कि नेट गेन हुआ? नेट बैलेंस हुआ. ठीक है, नेट बैलेंस हो गया वापस फिर से क्योंकि वो नॉर्मल कंडीशंस. लेकिन जब आपने इसमें पढ़ा तो आपने दो चीजें पढ़ी, दैट इज एक्सेस ऑफ वाटर लॉस एंड एक्सेस ऑफ वाटर लॉस एंड लेसर ऑफ वाटर लॉस. ठीक है, मतलब ये कि कल वाले काउंटर करंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया, वो मेंटेन नहीं हो पाया, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन नहीं हुई, पानी ज्यादा हो गया जो कलेक्टिंग डक्ट में जा रहा था या कम पड़ गया जो कलेक्टिंग डक्ट में जा रहा था, इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, रिसेप्टर्स को सिग्नल मिला ऑस्मोलैरिटी इम्बैलेंस का, एंड हेंस दे रिस्पॉन्डेड बाय गिविंग द सिग्नल टू द ब्रेन. ब्रेन में कौन से ग्लैंड को? पिट्यूटरी ग्लैंड को. पिट्यूटरी ग्लैंड की कंडीशंस को स्नब कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, स्लो कर दिया जाता है. क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रेशन रुक जाएगी तो हमारे आगे के फंक्शन, आप लोगों ने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं किया हुआ उसमें ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सारा समझाते हैं. ठीक है, कोई भी एक्शन है आपकी बॉडी का, कोई भी रिएक्शन है आपकी बॉडी का, दैट आर टू बी कंट्रोल्ड बाय द मास्टर ग्लैंड, एंड पिट्यूटरी इज अ मास्टर ग्लैंड. ठीक है, ब्रेन में हमारा पिट्यूटरी जो है दैट इज हाइपोथैलेमस इज मास्टर ऑफ मास्टर, मतलब वो पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है सिर्फ, मतलब दो ग्लैंड है ऐसे. ठीक है, एक पिट्यूटरी है, एक हाइपोथैलेमस है. पिट्यूटरी ने पूरी बॉडी को कंट्रोल करना है और हाइपोथैलेमस ने सिर्फ इसको कंट्रोल करना है. ठीक है, अगर हाइपोथैलेमस हमारा इनहिबिटिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा तो पिट्यूटरी अपनी सिक्रेशन नहीं देगा, वो रुक जाएगा. अगर ये अपना रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा तो ये अपनी सिक्रेशन देगा, ऐसा होगा. सो मींस इसको कंट्रोल करने वाला हाइपोथैलेमस है सिर्फ, पर ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करेगा, पिट्यूटरी पूरी बॉडी को कंट्रोल करेगा. ठीक है, सो मास्टर ग्लैंड इज द पिट्यूटरी ग्लैंड इन अवर बॉडी. ठीक है, मेजरली द रोल्स दे आर मेंटेन्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब मेजर रोल्स, बहुत ज्यादा रोल्स हैं हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के, बहुत ज्यादा सिक्रेशंस हैं
यू हैव दिस चैप्टर ऑल्सो इन योर सिलेबस, दैट इज द लास्ट केमिकल कंट्रोल एंड कंडीशन. उसमें वापस ये चीजें आपको फिर से कराएंगे. ठीक है, वो जब पिट्यूटरी ने अपनी सिक्रेशन डाली एज इन रिलेशन टू द किडनी फंक्शन इन रिस्पॉन्स टू द ऑस्मोरिसेप्टर्स वर्किंग, देन देयर विल बी द स्नबिंग ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन. हार्मोन सिक्रेशन कम हो गई, लेस हो गई, डिसेंड होनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से कम 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 और आगे जो सिग्नल मिलना था ऑस्मोरिसेप्टर्स के बाद किडनी को, जो एक नॉर्मल काम और बड़ी तेजी से कर रही थी, जिससे पानी बहुत ज्यादा ज्यादा निकल रहा था, अब वो स्नब 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 हो गया सारा कुछ. सिक्रीशन स्नब हो गई, फंक्शनिंग स्नब हो गई, आगे आके एक्शन ऑन किडनी स्नब हो गई. जब वो स्नब हो गया तो जो तेजी से हो रहा था काम वो भी स्नब हो जाएगा. तेजी से होने वाला काम क्या था? मोर ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर. फ्लो चार्ट सब बना चुके हैं इसे ना, सबने बना लिए. ठीक है, सो ये स्नब करेगा तो ये पानी का एक्सेस ऑफ वाटर जो है लॉस्ट हो रहा था वापस नॉर्मलाइज हो जाएगा. अब अगर वो पहले से ही लेसर में जा रहा है तो रिसेप्टर ने वो अपना सिग्नल भेज दिया जिसकी वजह से वो सिक्रीशन बढ़ा देगा. पिट्यूटरी अपनी सिक्रीशन और बढ़ा देगा. जितना ज्यादा हार्मोन आएगा उतना ज्यादा फंक्शन चलेगा किडनी का, है ना. और जब भी ज्यादा फंक्शन चलना शुरू हो गया तो वाटर का लेवल अप होना शुरू हो जाएगा. जो ऑलरेडी लेस में जा रहा था अब वो अप चला जाएगा. एंड व्हेन इट इज नॉर्मलाइज द कंडीशंस आर अगेन रिटेन्ड. डन. दिस वाज ओनली व्हेन द रिसेप्टर्स आर गिविंग द सिग्नल. ओनली द रिसेप्टर्स दैट विच आर एसोसिएटेड विद ऑल द रिस्पॉन्सिव ऑर्गन्स, जिन्होंने रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना. ठीक है, एक हमारा है मैकेनिज्म दैट विच इंक्लूड्स अ सर्टेन केमिकल्स. दिस इज अ केमिकल और मैकेनिज्म. ये तो हमारे रिसेप्टर स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व्ड हैं. ठीक है, रिसेप्टर्स नाम के. एक है हमारा जिसमें केमिकल्स इन्वॉल्व्ड हैं, हॉर्मोन्स नहीं कह सकते, इंजाइम्स नाम के केमिकल्स इन्वॉल्व. ठीक है, इंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं फॉर द रिएक्शन चेंजेस. ठीक है, अब रिएक्शन चेंजेस हो क्या रहा है हमारा जो, अब ये रास मैकेनिज्म समझा रही हूँ मैं, जस्ट लिसन. एक आपने करी थी एफरेंट आर्टरियोल, याद है क्या होती है एफरेंट आर्टरियोल? हाँ, जो बॉमेन कैप्सूल में एंटर करती है या एग्जिट करती है? एंटर करती है, दैट इज द एफरेंट आर्टरियोल एंड दैट एग्जिट्स इज ईफरेंट आर्टरियोल. ठीक है, एफरेंट आर्टरियोल के अंदर ना एक स्पेशल सेलुलर अपरेटस लगा हुआ है. व्हाट इज दैट सेलुलर अपरेटस? दैट इज कॉल्ड एज अ जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस. यस, ठीक है, जे जी ए सेल्स, यहां हम उसको कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, या इस सेलुलर अपरेटस को हम कह सकते हैं इन शॉर्ट जे जी ए सेल्स. डन. अवर एफरेंट आर्टरियोल, that is the arteriole which just reached up to the Bowman capsule, that has a special cellular apparatus, that is JGA cells. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होने वाला है? सबसे पहले जब भी हमारा fall in GFR आएगा, this is a condition when there is fall in the glomerular filtration rate. मतलब नॉर्मल जीएफआर क्या था? 180 लीटर्स पर डे. हमारा इसमें फॉल हो गया, ये कंडीशन मैंने अभी कही ना, किडनी ने अपने आप अपना रेगुलेट करना है फंक्शन. ठीक है, जब ये जीएफआर फॉल हो गया, जीएफआर हो कहाँ रहा है? हमारे बॉमेन कैप्सूल में, ये रहा, है ना, यहीं पे एफरेंट आर्टरियोल एंटर कर रही है. हाँ जी, गेटिंग? यहीं पे एफरेंट आर्टरियोल एंटर कर रही है. यहाँ पे समवेयर इसकी एंट्रेंस पे यहाँ पे लगे हुए हैं जे जी ए सेल्स. ठीक है, सेलुलर अपरेटस. अब अंदर गया और जो ब्लड हमारी ई फ्रंट में आ रहा है वो ऑलमोस्ट सेम सेम है, जो सॉल्ट्स निकल रहे हैं वो ऑलमोस्ट सेम सेम है. क्यों ऐसा? क्योंकि जो इसमें फिल्ट्रेशन होनी थी वो पॉसिबली हो नहीं रही, उतनी स्पीड से नहीं हो रही, उतने रेट से नहीं हो रही. मतलब वो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम पड़ गया, है ना. जब यहाँ रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम पड़ गया तो ब्लड सिग्नलाइज हो रहा है कि ब्लड में से वो सॉल्ट्स तो निकल नहीं रहे जितने निकलने चाहिए थे. जब ब्लड सिग्नलाइज हो रहा है तो वो किसका ब्लड है? ग्लोमेरुलस का. तो यही एक क्लस्टर और जस्ट उसकी स्टार्टिंग में जे जी ए सेल्स जो है ये एक्टिवेट हो जाते हैं. वो सिग्नल, मतलब इसका ब्लड का अपना सिग्नल जो है वो ट्रैवल होता है एफरेंट एफरेंट आर्टरियोल्स में, और एफरेंट के अंदर पड़े जो जे जी ए सेल्स हैं ये एक्टिवेशन देते हैं. जैसे ही जी एफ आर कम हुआ, फॉल आया इसमें, जे जी ए सेल्स दे गेट एक्टिवेटेड, इनको सिग्नल मिल गया
कि अब वही वाला सेम अमाउंट में अगर सॉल्ट्स निकल रहे हैं हमारे ब्लड में ही पड़े हैं तो रीअब्सॉर्प्शन कैसे होगा? जब ये वाला सिग्नल प्रोड्यूस हुआ तो जेजीए सेल्स अपनी एक्टिविटी शुरू करेंगे. एंड व्हाट इज देयर एक्टिविटी? दे स्टार्ट सिक्रेटिंग द फर्स्ट सिक्रेशन दैट इज रेनिन. रास में फर्स्ट क्या है? आर. ठीक है. सो रेनिन इज सिक्रेटेड बाय दिस जेजीए सेल्स. जेजीए सेल्स दे स्टार्ट सिक्रेटिंग द रेनिन. ठीक है. रेनिन इज अ केमिकल दैट इज सिक्रेटेड बाय जेजीए सेल्स ऑन गेटिंग अ सिग्नल ऑफ फॉलिंग जीएफआर. डन. इतना समझ आ गया? हो क्या रहा है? जीएफआर कम हो रहा है यानी हमारा ब्लड का फ्लो जो है वो भी अब स्लो डाउन ही करता जाएगा क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, उस कंडीशन में क्या हो रहा है? हो सकता है ब्लड स्लो है इसीलिए उसकी कंडीशन में सॉल्ट जो है रिमूवल कम हो रहा है. पोर्स में खराबी आ गई फिर तो सीधी किडनी डैमेज है ना. पहली तैयारी इसकी क्या होगी? जीएफआर कम क्यों होगा जब पीछे से ब्लड का प्रेशर स्लो है या पीछे से ब्लड का फ्लो स्लो है, किडनी की तरफ ब्लड आ नहीं रहा है ना. थोड़ा थोड़ा आ रहा है. हमारे आर्टरियोज जो हैं उनको सिग्नलाइज मिल गया, सिग्नल हो गया, उनके पास पहुंच गया एंड हेंस यहाँ पे रेनिन सिक्रेट हो. अगर ये ब्लड धीरे धीरे अंदर आ रहा है तो हमारा सोल्यूशन क्या होना चाहिए? ब्लड धीरे धीरे अंदर आ रहा है, ये ब्लड वेसल है, लेट्स से ये उसका ओपनिंग है, यहाँ पे से ब्लड निकल रहा है और धीरे धीरे आ रहा है. ठीक है. लेसर अमाउंट इज कमिंग तो हम चाहते हैं कि वो स्पीडअप हो जाए. तो स्पीडअप करने के लिए क्या करेंगे? हम इसको खोल देंगे है ना, इसको खोल देंगे, इसको ओपन करेंगे. हो सकता है उसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाए तो उसका ब्लड का फ्लो ज्यादा बढ़ जाए, जिसके बढ़ने पे वो नॉर्मल कंडीशंस आ जाएंगी वापस फिर से. ठीक है. सो दैट इज डायलेशन देंगे. डायलेशन होता है ना. सो ये जो हमारे बाकी के ये सारे सिक्रीशंस में ये स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ये सारे हॉर्मोन्स हैं. ऐसा नहीं है ऐसा सिस्टम रिप्रेजेंट करता है, ये सारे हॉर्मोन्स हैं. ठीक है. दिस सीरीज ऑफ हॉर्मोन्स एंड स्पेशली द एंजियोटेंसिनोजन 2 एंजियोटेंसिन 2 ये सिक्रीशन देता है. This acts as a dilator, vasodilator. Vaso means your vascular tissue, that is your blood vessel. उसकी dilation करेगा, खोलेगा उसको. ठीक है. ताकि ज्यादा ज्यादा blood जो है वो आना शुरू हो जाए. Already धीरे धीरे आ रहा था, इतना उसका normal sectional view था. ठीक है. धीरे धीरे blood आ रहा था, धीरे धीरे उसकी GFR हो रही थी, धीरे धीरे जा रहा था. अब हम उसको normal करने के लिए क्या किया? Dilate कर दिया. Blood vessel खुला हो गया, बहुत सारा मोटा हो गया, डायलेट कर दिया. जब वो डायलेट हो गया तो इतना बड़ा उसका अगर सर्कुलर सेक्शन बन गया तो उतना ही ज्यादा ब्लड निकल के जाएगा. ठीक है. जब ज्यादा ब्लड आएगा ज्यादा फिल्ट्रेशन हो जाएगी. अगर तो पोर्स नॉर्मल है, पोर्स की फंक्शनिंग में तो प्रॉब्लम नहीं ना हो सकती क्योंकि वो रिपेयरेबल नहीं है. ठीक है. रिपेयरेबल है क्या? फ्लो ऑफ ब्लड. ठीक है. तो ज्यादा होगा. अब जब ये ज्यादा हो गया एक नॉर्मल अमाउंट आएगी. नॉर्मल अमाउंट के बाद वापिस इसको बंद भी करना पड़ेगा. हमेशा के लिए डायलेट थोड़ा ना रखेंगे. इतना बड़ा खुला ब्लड वेसल हमेशा के लिए थोड़े चलेगा, उसको बाद में बंद करना पड़ेगा यानी कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. ठीक है. इतना समझ आ गया? लेमन लैंग्वेज में सारा समझ आ गया वैसे. ठीक है. चलो. सो अभी तक हमने क्या किया था? जीएफआर फॉल हुआ, जेजीए सेल्स एक्टिवेट हुए, रेनिन सिक्रीट हुआ. रेनिन जो सिक्रीट हुआ उसने फटाफट से एंजियोटेंसिनोजेन कॉम्प्लेक्स जो है ऑफ एंजाइम्स एंजियोटेंसिनोजेन को एक्टिवेट कर देना. ये रेनिन का रोल है. रेनिन जो सिक्रीट हुआ उसने हमारा एक कम्प्लेक्स ऑफ एंजाइम्स है, एंजियोटेंसिनोजेन कम्प्लेक्स ऑफ एंजाइम्स. कम्प्लेक्स मीन्स इसके अंदर और भी हैं इसी के जैसे, उनको इसने एक्टिवेट कर देना, फंक्शनल बना देना, इसका काम शुरू करवा देना. ठीक है. एक्टिवेट हो जाए. डन. दिस एक्टिवेशन नाउ कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजेन इंटू एंजियोटेंसिन 1 दैट इज अगेन कम्प्लेक्स है ना. तो कम्प्लेक्स में हमारा एंजियोटेंसिनोजेन जो है ये भी अपने आप में एक एंजाइम है. ये इनर्ट है, इनएक्टिव है. जब ये एक्टिव हो गया तो इसकी कन्वर्जन अब इसमें चले जाएगी. दैट इज आप ये लिखो कन्वर्टेड टू एंजियोटेंसिन. ठीक है. पहला टेंसिनोजेन है. जेन्स जहां टर्म लगेंगी ना वो हमेशा आपको इनर्ट स्टेज मिलेंगी. ठीक है. एंजाइम्स की एंजियोटेंसिन 1 रोमन्स में 1 फिटिंग एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्टेड टू एंजियोटेंसिन 1. दिस अगेन नाउ फर्दर कन्वर्टेड टू एंजियोटेंसिन 2
ठीक है, टेंसिन वन बन गया तो उससे बनेगा टेंसिन टू, एंजियो टेंसिन टू। अब पहला हमारे सीरीज में कौन आया, रेनिन, इसने इनर्ट को एक्टिव में कन्वर्ट कर दिया, तो पहला आ गया एंजियो टेंसिन वन, फिर आ गया एंजियो टेंसिन टू, बन रहा है आर ए ए, तो इसी से इसको नाम मिला है रास मैकेनिज्म। ठीक है, रास आर रेनिन एंजियोटेंसिन वन एंजियोटेंसिन टू सिस्टम। ठीक है, एंजियोटेंसिन टू दिस एक्ट्स एज अ वैसो डायलेटर, दिस एक्ट्स एज अ वैसो डायलेटर एंड व्हेन आवर ब्लड वेसल इज डायलेटेड, आर्टरियोल डायलेट हो गया तो क्या होगा, मोर ब्लड विल बी कमिंग इनटू द ग्लोमेरुलस, मोर विल बी द जीएफआर। नॉर्मल होगी ना कंडीशन, हुई कि नहीं हुई, क्या कंफ्यूजन है, सारा ही कंफ्यूजन। देखो वैसो डायलेटर हुआ, यहां तक समझ आया, क्या नहीं होनी चाहिए, टेंशन क्रिएट कर रहा है। हाँ तो वही तो कर रहे हैं हम, डायलेशन कर रहे हैं ना, वी आर मेनली फोकस्ड ऑन दिस, व्हाट इज द एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन, दैट इज अ वैसोडायलेटर, इट एक्ट्स एज अ वैसोडायलेटर, दिस एंजाइम एक्ट्स एज अ वैसोडायलेटर। जब ये बनेगा ना, इसका बनना भी आसान नहीं था, देखो पहले तो जेजीए सेल्स के पास सिग्नल आएगा, वो रेनिन भेजेंगे तो ये कन्वर्जन पॉसिबल होनी, और जब ये जाके बना फिर इसने डायलेशन क्रिएट करना। ठीक है, हमारा मकसद पूरा हो रहा है ना, वैसोडायलेटर जब बन गया, जब ही ये वैसोडायलेटर का एक्शन शुरू कर दिया इसने, इसने क्या किया, ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो ज्यादा बढ़ा दिया, बढ़ेगा ब्लड फ्लो इंक्रीजेस इन द आर्टरियोल, दैट इज अ एफरेंट आर्टरियोल, बढ़ेगा। ठीक है, इसके बढ़ने पे ये जो फॉल हुआ था ये बैक टू नॉर्मल, नॉर्मल नहीं करेंगे, इंक्रीज जीएफआर कर देंगे, जीएफआर बढ़ गया, हुआ कि नहीं, समझ आया कि नहीं, यहां तक समझ आया तो मैं आगे कराऊं, और जल्दी करो पीरियड खत्म हो जाएगा नहीं तो। हाँ जी जल्दी बोलो, जल्दी फटाफट, 2 मिनट्स आर लेफ्ट एंड आई हैव टू कंप्लीट दिस। ठीक है डन। अब यहाँ इंक्रीज्ड जीएफआर तब तक था जब तक वैसोडाइलेशन, अब ये बहुत ज्यादा ज्यादा ब्लड आ रहा है, बहुत ज्यादा ज्यादा फिल्ट्रेशन हो रहा है और जीएफआर हमारा बढ़ता जा रहा है, एक जो बिल्कुल रिड्यूस हो गया था अब उसको धीरे धीरे उठाया जा रहा है उस लेवल, एक लेवल आएगा जब वो नॉर्मल को मैच कर जाएगा। ठीक है, पर उस नॉर्मल के बाद भी इस डायलेटर का काम चलता रहा तो बढ़ जाएगा, वो भी हमारे लिए गलत है, फॉल था अब इंक्रीज हो जाएगा वो गलत है। ठीक है, हमने सिर्फ तब तक के लिए, मतलब हमारी किडनी ने ये एक्शन तब तक के लिए चलाना है, वैसो डायलेशन तब तक रखनी है पॉसिबल जब तक के लिए जी एफ आर बैक टू नॉर्मल ना हो जाए, इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे हो रहा है, बैक टू नॉर्मल ना जब तक हो जाए तब तक के लिए इसको वापस उठाता रहे, उठा लिया लेवल, उठाया नॉर्मलाइज कंडीशन आई, साथ ही अब ये ब्लड इनिशियली कहां से आ रहा है, सबसे पहले कहां से पंप आउट होके आ रहा है ब्लड, ये वाला कहां से आ रहा है, एफरेंट आर्टरियोल है, आर्टरी से ला रही है, हार्ट से ला रही है, हार्ट से ला रही है ना। अब जब हमारी इधर जीएफआर नॉर्मल हो गई, हमारे ब्लड को फिर से वापस बैक, उसको सिग्नल मिल रहा है कि अभी जीएफआर जो है वो नियर टू नॉर्मल है ना, देन अ सिग्नल इज सेंड टू द हार्ट, अगेन एवरीथिंग इज बीइंग कंट्रोल्ड। ठीक है, हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, इसके बाद एक हार्ट को सिग्नल पहुंचेगा और हार्ट के अंदर एक और सिक्रीशन, एक और फैक्टर रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं एएनएफ। ठीक है, हार्ट रिलीजेस एएनएफ, दैट इज एंटी नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, नेट्रीयूरेटिक फैक्टर। हार्ट को सिग्नल मिला, ठीक है, हार्ट के भी ऑरिकल्स जो एट्रिया होता है, हार्ट का एट्रिया ने रिलीज किया एएनएफ, एट्रियल वॉल्स। ठीक है, एट्रियल वॉल्स में से एएनएफ सिक्रीशन आया, कहाँ आया, ब्लड में आया, ब्लड में से निकलता निकलता वो जब भी हार्ट से पंप हुआ, होते 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 आर्ट्रियोल में पहुंचा,
जिस पॉइंट पे डायलेशन लगी थी उसी पॉइंट पे वापस इसका सिग्नल रिवर्स हो जाएगा, बिकॉज नाउ दिस एएनएफ दैट एक्ट्स एज अ वैसो कंस्ट्रिक्टर, ये कंस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करेगा. जहां डायलेशन लगी थी एफरेंट आर्ट्रियोल में वहीं पे ये कंस्ट्रिक्ट कर देगा. हो गया वापस बंद, मतलब पहले अगर ये नॉर्मल था, डायलेशन दिया इतना हो गया, वापस फिर से नॉर्मल हो गया. जब कंस्ट्रिक्ट हो गया अब वो सारा जो मेंटेन्ड वे में वापस नॉर्मलाइज हुई है, जीएफआर इंक्रीज होने के बाद नॉर्मलाइज हो गई ना, तो उसको नॉर्मल वे से जीएफआर मेंटेनेंस में रहेगी. गेटिंग? सो दिस इज हाउ अवर किडनी बेसिकली प्लेज अ रोल एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बोथ द क्वेश्चंस ऑस्मोरिसेप्टर्स एज वेल एज दिस रास मैकेनिज्म, दैट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एनी डाउट्स? ख्याति? एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी?